खराब सिर अरे भाई जिन्हें शादी मई नहीं की कहते मेरा मुड़ा चला चला नहीं ਉਹਨੂੰ ਟਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਸਵਾਈ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਥ ਵੀ ਅਭੀ ਤੱਕ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਮਾਰਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੋ ਤਕਲੀਫ ਹੋਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਅਜੀਬ ਸਾ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਕਹੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਸ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੋਨੇ ਕੀਏ ਐਬਨੋਰਮਲ ਥੀ ਨਾਰਮਲ ਥੀ ਇਹ ਕੀ ਥਾ ਬੱਚੇ ਕਹਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹਰ ਵਕਤ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਬ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਬ ਕੈਮਰਾ ਆਫ ਥਾ ਤੋ ਉਸਸੇ ਪੁੱਛਾ ਤੋ ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਬਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਥਾ ਨਾ वो मेरी बेटी के साथ गलत काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा, खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन इस वक्त एक खातून जो है वो जा रही है और बच्चा उसका रो रहा है, बिलख रहा है, वो खातून जा रही है उसके पास जाते हैं, काफ़ी देर से देख रहे हैं वो यहाँ पर मशकूक तरीके से फिर रही है, उससे हम पूछते हैं कि क्या मामलात है, गुनगुनाती जा रही है, बाकी पूछते हैं कि कौन है, क्या है, बच्चा क्यों रो रहा है, कहाँ से आइए, चलिए मेरे साथ। कोई भी मसला होगा मुझे बताएं, मैं आपका मैं आपसे पूछ रही हूँ। सियालकोट से, सियालकोट से। ये आप गटर किसको कहती हैं? मेरी आंखों में गटर, इसके सर में गटर। टैप लाइन लोगों ने बांध दिया ना अपनी चीजें, ये जो जिस्म नहीं अंदर अपना जिस्म आंखों में बांध दिया, मेरे गले में भी हो रहे क्या क्या बांध दिया। किसने किया? अरे भाई जिन्हें शादी में नहीं की कहते मेरा मुड़ा चल रहा है, चल रहा नहीं सी उन्होंने उठा के किसी और को सवाई रख दी सी, और सारे बड़े चतरे से माई के घर सामने मेरे परचे कटाते 10 किलो आटे का, कहते 5000 दो इन्ना सता के रख दी आटे में पी तो आटा 20 किलो 50 किलो कौन पे खाता। तुम गंदा नाम क्यों ले रही हो पॉटी पॉटी का? अरे भाई वो मशीन जड़े आटा पीते ने उन्होंने जाके पूछो कि इन्होंने आटा क्यों गंदा पी। तो गंज टिंड क्यों कराई है? मेरी भैन टिंड कराई है अपनी मजबूरी, सिर में तकलीफ होती है। क्या तकलीफ होती? दिखाओ जरा। ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਲਿਸਾ ਲਿਸਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਖਰਾਬ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਪੋਟੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਰੇ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੈਣ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੋ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਖੋ ਕੇ, ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੈਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੁਈਆਂ ਆਪਣੀ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨੀਆਂ। ਉਸਕੋ ਤਕਲੀਫ ਹੋਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੈਣ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਓ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੇ ਲਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਤੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਕੋ तुम्हें बेचा, तुम्हारे बच्चों को बेचा, वो बंदा कहाँ है? मेरी भैन बंदे नु पुलिस बुला के ना 10000 च फड़ के फिर ओदे घर मेरे रहना चाहिए रोजाना भुल भुलेखे। अड्डी मेरी बेटी हो ना यैशियां करदा रे, इस बच्चे के साथ भी अभी तक यैशियां करदा है तुम्हारा बंदा? हमें कितना तुम्हारे बंदे ने इसके साथ ते और क्या नहीं किया? मेरी कुड़ी दे टेड़ च चूहे ते बिल्ले, मेरे टेड़ च चूहे ते बिल्ले, परेशान मेरा टेड़ भी ओदा भी कैमरा मार ले चेक करके परेशान जो है ने। कितने ऑपरेशन? मेरी पैन 3 ऑपरेशन हुए ने, एक मेरी बेटी सी ना अड्डी 1 साल दी, उन 15 साल दी है। नाक में भी वो डाला है कोका? मजबूरी से डाला। क्यों? वो जरा नाक में वड़ दा ओदे विच डाला, ओदा नाम अनसा है, रकिया दा मुड़ा है, बराकी हाल रहंदा। वो पॉटी करते तो तुम्हारे मुंह में आती है? ए ओ जे सासे ना ने मेनू मुल वेचया शहीद गुजरात अस्पताल, 7 लाख दा वेच के नऊ नु ते मुड़िया ना सौंक गुजारे करके मेरे ते जादू पड़दी, मरदी क्यों नहीं? मेरी मेरी तनखा मुझे दे दो, मेरी पैन मेरा कार्ड नंबर ले लो, टीवी पे चेक कर लो बैठ के। क्या कहां तुम नौकरी कर? मेरा सियालकोट में होती हो जड़ी चली है ना, उसने लिखवा के ते 5 साल दी कुरलिया सप्पा कोल मेनू मार पी दंदी है, ते जड़ी मेरी तनखा है ओ मेनू दे दे, ओदी मैं हकदार नहीं है वे, सुते जागदी बच्चे जमदी रहवा इस गल दी हकदार मैं है वा? 17 किलो में आटा पैंस है कि 12 किलो गंदम का, बाहर नंगे पांव वो फिर रहा है, पता नहीं भूखा है प्यासा है कैसा है कैसा नहीं। नाज़रीन ये वाहिद अजीब सा ये केस सामने है जिसमें इसने कहा जी मेरे ऊपर मेरे शोहर ने और मेरे सास ने जादू टोने किए, और ऐसा जादू टोना किया है कि शोहर मेरा अगर पखाना करते है तो वो मेरे मुंह में आता है, या मेरे बच्चे के भी सर में गटर है और मेरे मुंह के अंदर भी गटर है। अजीब से इसने मामलात बताए हैं, जादू टोनों में भी ऐसे कोई मामलात है? बाकी आतिफ भाई से पूछेंगे कि ये असल में केस क्या है, एबनॉर्मल थी नॉर्मल थी या क्या था। बच्चे कहती है कि बच्चा हर वक्त बेहोश होता है, जब इसके ऊपर अटैक होता है तो ये बेहोश होता है, और इसके ऊपर इसने कहा जी हमारे ऊपर काला जादू हुआ, और काला जादू ऐसा है कि मेरे सर में जो है ऐसे लगता है कि स्मेल है, पॉटी है या कुछ, बाकायदा उसने जो नाम लिया, इसलिए एक टिंट भी करवाई हुई है इसने।
बाकी आतिफ भाई से पूछते चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी आतिफ भाई, ये खातून है, एबनॉर्मल है क्या, इफेक्टेड है, इस पे ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है, क्या मसला है, क्या मसाइल हैं, गटर पॉटी मसला, कानों में उसने, नाक में उसने वो कील, असल में हकीकत तो ये है, डिंड करवाई भी है उसकी ना, जो हालत थी ना, तो जब कैमरा ऑफ था तो उससे पूछा तो लेकिन उसने कुछ और ही बताया था, कह रहा था कि मेरा जो बंदा था ना वो मेरी बेटी के साथ गलत काम कर रहा था, कि जब मैं उसे पकड़ा है तो फिर मेरी जो सास थी उसने मेरे पे जादू करवाया, सास खुद करवाती थी, सास मेरे पे जादू करवाती रही है, फिर जो है ना मेरा बंदा वो मुझे मारता भी रहा है, मैं घर से निकाल दिया है। और जब इंसान जब जहनी तौर पर वैसे डिस्टर्ब हो जाता है, उसे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कह रही हूँ, लेकिन वो अभी वो बिल्कुल जो है ना फारग हो गई है, उसका एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि छोटे से बच्चे को कैसे खिलाती है, कैसे बुलाती है इधर, ये तो माहौल ही बड़ा अजीब सा है, अगर इसका बच्चा को उठा के इधर से ले जाए तो फिर उसका कौन जिम्मेदार। लेकिन जब मैं इसके पीछे गई हूँ आतिफ भाई, तो ये गुनगुना रही थी, जैसे ही मैंने इसे कहा जी कहाँ से, तो इसने यूँ टर्न लिया और यूँ टर्न में बात ये भी होता है कि इनका जो एक तरीकाकार होता है कि इंसान को जो है ना जब इसने पता है कि मीडिया वाले आ गए हैं, तो फिर ये भी हो सकता है कि उसने जो है ना रुख ही चेंज कर लिया हो। ये क्या मामला है कि मेरे पाइप है, बंदा मेरा पॉटी करता है तो मेरे सर में आती है, मेरे मुंह में स्मेल, बच्चे के दिमाग में पॉटी, ऐसी बात करे कि इसकी कोशिश तो यही थी, ऐसा मैजिक है जो इंसानों की पॉटी है इंसानों के, ये चीज नहीं, ये उसने एक ड्रामा किया है ताकि ये इंटरव्यू करे ही ना हमारा, असल उसका मकसद ये था कि मैं इस तरह की बातें करूँ तो कहाँ के जो मीडिया वाले ये वैसे ही हमारे से कि ठीक है जाओ ये पागल है। नाज़रीन पागल है, समझदार है, इफेक्टिव है, ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है, ड्रामा था, ढोंग था, उसने कहा जी मेरी सास अपने बेटे से, यानी मेरे शोहर से, अपनी बेटी से भी और मेरे बेटे से भी गलत काम करवाता था, मुझे उसने सिर्फ इस्तेमाल के लिए रखा हुआ था, इस्तेमाल कर करके बच्चे पैदा कर करके अब उसने मुझ पर ब्लैक मैजिक की है, ब्लैक मैजिक से मैंने अपनी टिंड भी कर दी है, और बाकी सारा आपने सुना। क्या कहेंगे कीमती राय से आगाह कीजिएगा, हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में, फी अमानिल्लाह।